ऐसी कायनात? जफर का असली मकसद और शायद नदी के पानी का काला होना, ये उसके मकसद की पहली शुरुआत है। इतनी बड़ी साजिश, उसने हमारे अब्बू को हमसे छीना और तुम्हें भी। मन तो कर रहा है कि अभी उसकी जान ले लें हम। ये वक्त गुस्से से नहीं, होशियारी से काम करने का ऐनक चढ़ी। इससे पहले कि मासूम लोगों की जिंदगियां इस काले पानी के तूफान में बर्बाद हो जाए, हमें इस मुसीबत को खत्म करना होगा। आगा, हमें पता लगाना होगा कि इसकी वजह क्या है। हाँ, और जब तक हम उसकी वजह तक पहुंच नहीं जाते, हमें बगदाद के लोगों को वो पानी पीने से रोकना होगा। पर कैसे? सबसे पहले हमें पूरे बगदाद का मुआयना करना होगा। ये जानना होगा कि दिक्कत कहां तक पहुंच चुकी है। नकचड़ी और गुल्लू, तुम दोनों को हर घड़ी सफर पर नजर रखनी होगी। इसके मकसद की पहली शुरुआत हो चुकी है, अब वो पीछे नहीं हटेगा, इसलिए हमें उससे दो कदम आगे रहना होगा। इससे पहले कि पिद्दी हमारी तलाश में पूरे बगदाद की फौज को रवाना कर दे, हमें चलना होगा। हमने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। हम कुछ नहीं देख रहे हैं। नकचड़ी, सफर को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम सच जानती हो। तुम हमें अपनी ताकत समझो, अपनी कमजोरी नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे काले चोर? पर शहजादी होने के नाते अपने वजीर को थोड़ा परेशान जरूर करेंगे। अभी शमशीर नहीं उठाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उसके हर गुनाह की सजा उसे देंगे। मेरी शेरनी वापस लौट आई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। टोली, हमें फौरन शहर का मुआयना करने के लिए निकलना होगा। और गुलबदन, तुम यहीं पर रहकर नक्चड़ी का ध्यान दोगे। चलो। बेहोश होते होते बचाऊं। कसम सोने के शर्फियों की, ये गिलहरी के बच्चे की जान जरा संभाल के रखो, कड़ा कर लो इसे, वरना अगर बेहोश हो गए तो गंदा काला पानी तुम्हारे मुंह पे छिड़कना पड़ेगा। बहुत अच्छे, वो काला पानी काला। क्या कहा? तुम्हारा मुंह काला, जुबान भी काली। इस नाजुक फूल को यू न डराए मोटे माली। वही 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 वही। फिजा का कांटा अपने आप को फूल कह रहा है, तुम फूलो। और क्या तुम? शहर के हर तालाब, हर कुएं, हर नल में काला पानी है। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मिया, मेरी एक बात मानो। हाँ। चुपचाप दो पल को सुकून से लेट जाओ, तुम्हारे गले को आराम मिलेगा और मेरे कान को। शहर के हर तालाब, हर कुएं, हर नाली का पानी काला है। नाजनीन, इस बात की तय तक तो
जाना ही पड़ेगा। वही 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 वही। चल नाज़नी। आका, पूरे शहर में पानी के काले होने की खबर फैलनी शुरू हो गई है। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हैवान इब्लीस को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। हम उससे राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी हासिल करेंगे। पर आका, काला पानी क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है पानी काला हो या पीला? आवाम का फर्ज होता है कि वो अपनी कुर्बानी देकर अपने सर परस्त को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। मरने दो उन्हें, देने दो कुर्बानी, करने दो अपने फर्ज पूरे। लेकिन तुम अपना फर्ज पूरा करो चिराग के जिन, हमारे लिए गुसल खाने में पाक पानी ला कर दो। अरे भाई, अभी अभी तो भूतों से छुटकारा मिला है और एक और नई मुसीबत आ गई है। बिना पानी के तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे। या अल्लाह, बगदाद को किसी की बद्दुआ लग गई है। मेरी बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसको हकीम साहब के पास ले जाना पड़ेगा। चलो चलो। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान है? आपके यहाँ साफ पानी आ रहा है? नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो साफ पानी नहीं आया। हमारे यहाँ भी गंदा पानी आ रहा है। यार खुदा, ये पानी भी ना, कैसा इम्तिहान है खुदा? क्या तुम्हारे यहाँ साफ पानी आ रहा है? ये क्या हो रहा है? ये पानी इतना काला है, मुझे ना मेरे बच्चों की भूख ना देखी गई, तो मैंने ये काले पानी में खाना पकाया। देखो ये कितना काला हो गया, अब मेरी बच्ची क्या खाएगी? काला पानी पी के अपने 50 बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, न जाने आगे क्या होगा। सब लोगों को पागल बना दिया। अगर ऐसे ही हालात रहे ना, तो जल्दी ये लोग लूट मार, कत्लेआम और खून खराबा शुरू कर देंगे। मैं तो कहता हूँ ऐसी नौबत आने से पहले हमें अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। आप सही कहते हो ऐसा भाई। मियां जल्दी करो, अब हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। अब टहनियाँ काटने से काम नहीं चलेगा, अब इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना पड़ेगा। शहर में काला पानी आ रहा है, मासूम प्यास से तड़प रहे हैं, ये हो क्या रहा है? कसम सोने की अशर्फियों की, साफ खालिस पानी, वो भी इस कमबख्त रुखसार के घर में, ये अनहोनी कैसे होगी? अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ साफ पानी आ रहा है। जल्दी से जाके सबको इत्तला कर देती हूँ कि अपने अपने घरों के लिए पानी यहाँ से भर ले। कसम सोने की अशर्फियों की, बड़ी आई मसीहा बनने। अरे तेरा ये काम तो नाज़नीन नहीं होने देगी। अब देख, मैं इस काम में किसे टांग अड़ाती हूँ। बगदाद में सिर्फ एक ही जगह बची है जहां अभी भी साफ पानी आ रहा है।
कौन सी जगह? शहजादी का कमरा। उनके कमरे के पानी का जरिया पूरे शहर और महल से अलग है। ये इंतजाम मरहूम बादशाह सलामत ने खास उनके लिए करवाया था। मेरे ख्याल से क्योंकि चाची जान का कमरा शहजादी के कमरे के पास है तो उनके कमरे में भी वही पानी आ रहा होगा। बाप मेरे भाई मेरे गुल्लू, कितना बदल गया ये। तो एक काम करते हैं जिनी मिनी अंगूठी छाप, तुम दोनों अम्मी के कमरे से साफ पानी सबके घरों में पहुंचाने का काम संभालो। चाचा और गुल्लू तुम महल में रह के नचड़ी के आसपास रहना, ताकि यहाँ कुछ भी होता है तो फौरन हमें पता चल जाएगा। और मैं मुसीबत की जड़ को ढूंढने जाता हूं। पर आका आप इस मुसीबत की जड़ को ढूंढोगे कैसे? बगदाद में एक ही जगह है जहां से पानी आता है, गुफाए जजीरा की झील। वहां से कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। और भाई मेरे भाई, चीनी मिनी अंगूठी छाप और तुम हम लोगों की मदद करने की कोशिश करोगे या फिर काले पानी के बारे में पूछताछ करोगे? जो भी करोगे ये बात जफर तक तो पहुंच ही जाएगी। इसलिए हम ऐसे जाएंगे कि अगर हम जफर के सामने से भी निकल जाएं तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा। मतलब? बताता हूं। बुलबुले सुबह में कुतुब नुमा गायब होने से पहले गुफाए जजीरा की तरफ इशारा कर रहा था। इसका मतलब कि वो हैवान हिबलीस वहीं हैं और बगदाद का पानी। हम सोच रहे हैं कि वहाँ एक मरतबा चल के इस बात को पक्की कर लें, एक मरतबा दिन की रोशनी में जाकर उसे वहाँ देख लें, फिर रात होते ही पकड़ लेंगे उसे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आका। मैं इस कागज को भी साथ ले चलता हूं, ताकि अगर वो कहीं इधर उधर जाए तो हमें इसकी मदद से पता चल जाए कि वो कहां गया। चिराग के जिन, जब तुम इस तरीके से समझदारी की बातें करते हो, हमारा दिल करता है तुम्हें गले लगा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह आका, मेरा भी दिल यही करता है, लेकिन बस क्या बताएं, बीच में ये गोल दीवार आ जाती है। वैसे आका, आज कुछ भी हो जाए, आज हम उस हैवानी 21 को कब्जे में कर लेंगे। और जब भी तुम बेवकूफी वाली बातें करते हो तो हमारा दिल करता है कि तुम्हारा गला दबा दे। हमें उस हैवान इबलीस को पकड़ के उससे रक्स नहीं करवाना है, बस उससे राज कायनात के दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए। जफर! आजादी ने पहली मर्तबा हमें अपने नाम से बुलाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि शहजादी ने हमारी बातें सुन ली? आवाम पर मुसीबत आई है, चलिए हमारे साथ। कैसी मुसीबत? आप इस मुल्क के वजीर हैं, आपको नहीं पता?
जी बिल्कुल पता है, हमारे मुल्क में सारा पानी काला हो चुका है। और अब तक आपने इसके बारे में क्या किया? शहजादी हमें आप बेचारे जी हमारा मतलब है कि अपने भाई को मत देखिए, आप कुछ कीजिए इसके बारे में। जी शहजादी हम करेंगे इंशाल्लाह, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कल सुबह होते ही। कल सुबह क्यों, अभी? ये हमारी आवाम की जिंदगी का सवाल है वजीर आला, आपको जो भी करना है आप अभी करेंगे, इसी वक्त। शहजादी को क्या हो गया? वक्त निकलता जा रहा है, हमें उस हैवान इब्लीस को ढूंढना जाना है। आज तो कहीं नहीं जा पाएगा कमीने। हमारे साथ चलिए। जी इन बर्तनों में पानी नहीं, खालिश सोना है। सोना 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 कहाँ है? सोना इधर है। सोना 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 सोना, आखिर इसकी आंखों की रोशनी चली गई। वाह, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कूदूंगा, गाऊंगा, उछलूंगा, नाचूंगा, उड़ूंगा, सारा कसम सोने की अशर्फियों की मियां, जबान बंद नहीं रखी तो यही लंबी जबान खींच के गर्दन में लपेट के लटका दूंगी, समझे? लोग पानी के लिए लड़ मर रहे हैं और ये साफ पानी सिर्फ इसी घर में आ रहा है। अब नाजनी इस पानी का सौदा करेगी और रईस हो जाएगी। पानी की एक एक बूंद 10-10 सोने की अशर्फियों के बराबर है मियां। अरे वाह, मतलब अब मुझे आधी रोटी के साथ प्याज भी मिला करेगा। वाह वाह वाह। लेकिन बेगम, क्या सचमुच लोग तुमसे पानी खरीदेंगे? मियां, लोग पानी नहीं जिंदगी खरीदेंगे। हाँ। वो भी मुंह मांगी कीमत पर। अब देखना नाजनीन फिर कैसे ये पानी को बेचकर रईस होती है। इसलिए जब तक इस नल में पानी रहेगा तुम पानी भरते रहोगे। भरता रहूंगा मैं पानी। मौके का फायदा उठाना ये नाजनीन की फितरत है। अब देखना इस मौके का फायदा नाजनीन कैसे उठाती है। बाद है भाई मेरे भाई, अंगूठी छाप। ये लड़का कौन है? मीठी जैसे चीनी, मैं हूँ चीनी मिनी। चीनी मिनी? क्या बात है चीनी मिनी, तुम कभी मछली बन जाती हो, कभी चीनी मिनी और कभी चीना मिना। शान में जो मैं कहने वाला हूँ वो सुनो। इरशाद, ये नहीं रुकेंगे चाहे पड़ जाए इनके पैरों में छाले, ये नहीं रुकेंगे चाहे पड़ जाए इनके पैरों में छाले,
साफ कर देंगे बगदाद के नदी नाले, इनके दुश्मनों को पड़ जाए चांद के लाले, आ रहे हैं बगदाद के रखवाले। आका, हमें भी बगदाद का रखवाला बनना है। अपनी उम्र का ख्याल रखो, तुम अभी बुड्ढे हो। आका, अगली छाप चाचा, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन तुम बहुत आसानी से पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम 1500 साल पुराने थके हुए बुड्ढे हो। अंगूठी छाप और तुम्हारा ये 1500 साल का तजुर्बा महल में रहकर जफर पर नजर रखने का काम आएगा। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो गुलबदन और नक्षड़ी, शहजादी और सूबेदार, ये ज्यादा कुछ करेंगे तो लोगों की नजर में आ जाएंगे। इनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ जादू करने के लिए खुले हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ है बुड्ढे। झुमरू के बच्चे, चाचा। आका, आप सही कह रहे हैं, हम महल में ही रहेंगे। शाबाश, अब जफर की तानाशाही को खत्म करने का वक्त आ गया है। टोली, तैयार? तैयार। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.